तो नमस्कार, मैं अजय कुमार वर्मा, एशिया एनडीबीसी। अभी तक दोस्तों आप लोगों को वीडियो बनाता था, मैं उसमें दिखाता था प्रॉफिट के ऊपर। और आज मैं वीडियो इसलिए बना रहा हूं क्योंकि एक किसान को काफी ज्यादा नुकसान हुआ है, उसके ऊपर वीडियो बना रहा हूं दोस्तों। उस बैच, ये जो बैच है उस किसान का, वो ऐसा बैच नहीं था जिसमें किसान के यहाँ कोई बीमारी आई हो, यानी ऐसी भयानक बीमारी जिसके वजह से किसान को काफी ज्यादा लॉस उठाना पड़ा हो। देखिए, ये बात अलग है कि किसान के यहाँ कोई ना कोई बीमारी आ जाए। अगर बीमारी नहीं आती है और वो पूरी अच्छी तरह से मैनेजमेंट के साथ में मुर्गा पालन करता है, तो उसका कितना खर्चा आता है वो चीज मैं आपको बताने वाला हूं इस वीडियो में। तो वीडियो को पूरा देखना दोस्तों, इसकी बिल्कुल मत करना। और आज मैं बताने वाला हूं दोस्तों कि अगर 1,000, ठीक है, 1,000, अगर आप 1,000 मुर्गा पालन कर रहे हो तो आपको कितना नुकसान लगेगा। जैसे बहुत सारे लोग बताते हैं, मैं भी बताता था कि कितना फायदा हुआ, लेकिन आज बताने वाला हूं कि कितना नुकसान लगेगा। तो वीडियो को स्किप बिल्कुल मत करना, समझिए दोस्तों। बहुत बारीकी पॉइंट बताने वाला हूं इस वीडियो में, आप लोग ए टू जेड चीजें समझ लीजिए कि कहां से उस किसान का कितना नुकसान हुआ है। क्योंकि दोस्तों बाकायदा मैंने इसमें, आप देख सकते हैं कि मैं लिख के लेके आया हूं कितना उस बंदे ने, सॉरी दिख नहीं रहा है, कितना उस बंदे ने कौन कौन सी दवाएं यूज की हैं और कितना उसका अंगीठी में चार्ज लगा है, कितना भूसी में, वो सारी चीजें बताने वाला हूं। तो आप लोग वीडियो को टोटली देखिएगा दोस्तों। सबसे पहले 1,000 चूजा डाला है और चूजे का रेट उस दिन का था 28 रुपये का। 28 रुपये का इस तरह से देखा जाए दोस्तों तो 1,000 का 28,000 रुपये हो गया। 28,000 रुपये का उसने चूजा डाला है और उसके साथ में चूजे ने जो फीडिंग किया है दोस्तों, 1,000 चूजा अगर आप पालन करते हैं तो कितना फीड में कितना इन्वेस्ट होगा वो चीज मैं बताता हूं। 10 बैग उसका प्री स्टार्टर लगा है, 20 बोरा उसका स्टार्टर लगा है और उसके साथ में 35 बोरा रेट खराब होने के कारण उसने क्या किया, किसान ने ये देखा कि अभी भाई बढ़ेगा बढ़ेगा ऐसा करके, उसको 35 बोरा, जबकि 30 बोरा ही खाना चाहिए, लेकिन 35 बैग खा गया चूजा रेट को देखते देखते। और उसमें उसने मतलब मन भी छोटा कर लिया। बहुत सारी समस्याएं हो जाती है दोस्तों जब किसान को ऐसा लगने लगता है कि अब तो मुझे बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है ऐसे सिचुएशन में। तो इस तरह से उसने कितना टोटल, मान के चलिए कि 2,314 रुपये का उसका प्री स्टार्टर पड़ा था, 10 बैग खाया, 23,140 रुपये का स्टार्टर प्री स्टार्टर हो गया, 42,920 रुपये का स्टार्टर हो गया और 72,492 रुपये का उसका फिनिशर हो गया। इस तरह से किसान ने कितना खर्चा किया, 1,38,552 रुपये का टोटल उसने खर्चा किया है दोस्तों इस चीज में, ठीक है। इसके बाद उसने कौन कौन सी दवाएं चलाई हैं वो भी बताता हूं आपको। उन्होंने बिमराल चलाया 560 रुपये का, एंटीबायोटिक चलाया 225 रुपये का, नीरी चलाया है 660 रुपये का, नेबलान पाउडर चलाया है 90 रुपये का, लीवर टॉनिक उन्होंने दिया है 560 रुपये की, जिप्रोमिन दिया है 500 रुपये की, ए टू जेड दिया है 450 रुपये की और पैरासीटामोल जो उन्होंने दिया है दोस्तों ये दिया है 400 रुपये का, उसने पैरासीटामोल अपने चूजे को लगाया है। तो कुल मिला के जो बंदे का दवाओं पे खर्चा आया है वो आया है 3,445 रुपये, ठीक है, 3,445 रुपये प्लस उस बंदे ने भूसी पे जो खर्चा किया है वो किया है 1,600 रुपये भूसी पे, प्लस उनका 8,000 रुपये का लेबर लगा था इसमें वो, और उसके साथ में जो उनका ट्रांसपोर्ट वगैरह में खर्चा हुआ है वो 2,000 रुपये का हुआ है। इसके साथ में दोस्तों ठंडक का मौसम है, ठंडक के मौसम में जो उस बंदे ने खर्चा किया है, ये अपना जो बुरादा आता है यानी हीट
हीट देने के लिए जो बुरादे का इस्तेमाल किया जाता है उस पे उस किसान ने जो खर्चा किया है वो किया है 1800 रुपए। 1800 रुपए दोस्तों उसने क्या किया, शुरुआत में दो अंगीठियों का इस्तेमाल किया है। तो कुल मिला के जो उन्होंने बताया है दोस्तों वो मैं इस वीडियो में लिख रखा हूं, इसमें लिख रखा हूं। उन्होंने 1800 रुपए का खर्चा किया है इसमें, जो कि इनका अंगीठी में लगा है। ठीक है, अब दोस्तों इसके बाद में बारी आती है जब 1800 रुपए इसमें बुखारी में खर्चा हो रहा है। तो सोचिए कि मुर्गा पालन में ये जो खर्चे होते हैं ना, छोटे छोटे खर्चे भले ही आप लोग ना जोड़ते हो, लेकिन अगर इनको सारे खर्चों को अगर आप काउंट करेंगे तो आप लोगों को पता लगेगा कि हाँ भाई कितना खर्चा हो रहा है। ठीक है, अब मैं बताने वाला हूं कि इनकी मोर्टेलिटी कितनी हुई है। मोर्टेलिटी जो हुई है दोस्तों वो हुई है 60 पीस की, 60 पीस की मोर्टेलिटी हुई है। जो सेफ बचे इनके पास मुर्गे वो बचे हैं 960, क्योंकि 1000 पे दोस्तों 20 चूजे एक्स्ट्रा मिलते हैं, वो एक्स्ट्रा इनको भी मिले थे, उसमें से 10 पीस विकलांग निकल गए थे दोस्तों। तो इनके पास बचे कितने, 950 चूजे बचे हैं, और इनका जो बॉडी वेट आया वो 2 किलो 50 ग्राम, 2 किलो 50 ग्राम, 500 ग्राम मत जोड़िएगा, 2 किलो 50 ग्राम का बॉडी वेट आया। इस तरह से इनका जो टोटल माल रेडी हुआ है वो हुआ है 1947.50, यानी 19 क्विंटल 47 किलो 500 ग्राम इनका माल रेडी हुआ। और ये माल जो इन्होंने बेचा है दोस्तों उसके बारे में अभी आपको क्या बताऊं, 84 रुपए में, आज की जो परसों इन्होंने बेचा तो उस दिन की जो मंडी का रेट था उससे भी 1-2 रुपए कम करके गाड़ी वाले उठाते हैं। तो इन्होंने 84 रुपए में मुर्गा बेचा है। इनका टोटल माल, टोटल इनका जो खर्चा आया है दोस्तों वो आया है 182,597 रुपए, 182,597 रुपए का खर्चा आया। इनका टोटल माल बिका है 163,590 रुपए का। इस तरह से इनको जो नुकसान हुआ वो नुकसान हुआ है 19,700 रुपए का। इनका जो शुद्ध नुकसान हुआ है वो हुआ है 19,700 रुपए का। तो दोस्तों इस तरह से अगर आप 1000 की फार्मिंग करते हो और 1000 मुर्गा पालन में अभी के पीरियड में दोस्तों ये जो रेट चल रहा है, रेट बहुत ही खराब चल रहा है, इस समय 1% किसानों के फेवर में नहीं है। और ये अगर इस रेट में किसानों का मुर्गा तैयार होता है और वो सेल करते हैं तो उन हर एक किसान को दोस्तों बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ेगा, चाहे उसका मुर्गा कितने भी रुपए। अभी मान लीजिए कि आपका मुर्गा अगर 84 रुपए में तैयार हुआ या 85 रुपए में तैयार हुआ, 85 रुपए की तो आपकी कास्टिंग आ रही है, अब 85 रुपए की कास्टिंग आ रही है, लेबर को जब जोड़ेंगे तो वो और बढ़ जाएगा, तो लेबर का खर्चा तो आपको अपने जेब से देना होगा। इस तरह से मान के चलिए दोस्तों कि हर एक किसान का प्रॉफिट के बजाय नुकसान लग रहा है। तो आपने जैसा कि देखा दोस्तों कि 1000 मुर्गा पालन पे किसान को जो नुकसान हुआ वो हुआ 19,700 रुपए का। ये नुकसान हो सकता है किसी किसान के यहां मोर्टेलिटी कम हो तो उनका कम नुकसान हो, और किसी किसान के यहां अगर ज्यादा मोर्टेलिटी हो जाती है तो उसका ज्यादा भी नुकसान हो सकता है। ये वीडियो दोस्तों मैं नहीं बनाने वाला था, लेकिन मैं सच्चाई दिखाता हूं अपने चैनल पे, तो उसी के चलते मैंने सोचा कि हमेशा जब प्रॉफिट में किसान आता था तो उसका वीडियो जरूर बनाया जाता था, तो क्यों ना जब किसान को नुकसान हुआ है तो वो वाला वीडियो भी बनाया जाए, और इस तरह से किसान के दुख दर्द को अपने चैनल पे दिखाया जाए दोस्तों, और उस
यही दुख दर्द दोस्तों, जिसके वजह से अभी मैं बताऊं, मैं इतने सारे किसानों को जानता हूं दोस्तों, जो कि काफी बड़े बड़े फार्मर थे, 10,000, 20,000, 50,000 तक की फार्मिंग करते थे। वो लोगों का कहना है कि भाई, कोई कहता है मैं 15 लाख रुपए के नुकसान में चल रहा हूं, कोई कहता है 18 लाख रुपए के नुकसान में, कोई कहता है 7 लाख रुपए के, कोई कहता है 2 लाख, और यहां तक कि मैं हूं दोस्तों, जो कि मैं भी 1,70,000 के नुकसान में चल रहा हूं अभी। तो इस तरह से नुकसान इस समय उठाना सभी किसानों के लिए, कि सभी किसानों को नुकसान ही उठाना है इस तरह का अगर रेट रहा। इसीलिए मैं कहता हूं दोस्तों, एक बार सब लोग मिलकर के यूनियन बना दो। यूनियन बनाने के बाद में मैं फिर बताऊंगा कि कोई भी किसान इस मुसीबत को नहीं झेलेगा, ये मेरा दावा है। तो आशा करता हूं दोस्तों कि यह वीडियो आप लोगों को मुर्गा पालन में जो हकीकत है उसके वजह से समझ में आई होगी। अगर वीडियो समझ में आई है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों को शेयर जरूर करें। फिर मिलेंगे दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच।